आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, तो किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज से 1 अप्रैल तक 40 से 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा चलेगी, वहीं कुछ इलाकों में पूर्वोत्तर में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा बादल गरजने के साथ साथ आसमान में बिजली भी चमकेगी। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि मौसम में इस बदलाव से दक्षिणी असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ स्थानों पर निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण की ओर निचले स्तर पर तेज हवा के चलते उत्तरी पूर्वी भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं भविष्यवाणियों के अनुसार आज यानी 30 मार्च से 31 मार्च के बीच बारिश अपने चरम पर होगी। वहीं मौसम विभाग ने पहले असम, मेघालय और त्रिपुरा, नागालैंड और जो आसपास के जो राज्य हैं यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं येलो अलर्ट की सलाह निवासियों को उनके स्थानीय मौसम की स्थिति के बारे में जागरूक करने पर आग्रह करती है। साथ ही मौसम विभाग के सलाहकार ने लोगों को यहाँ पर बारिश यानी कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की संभावना यहाँ पर बात कही है। वहीं मौसम विभाग ने इस दौरान आंधी और बिजली, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर तेज घंटे की यहां पर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने वाली हवाओं की चेतावनी दी है। तेज हवा का अधिकतम 30 से यहां पर अधिकतम तेज हवा की जो गतिविधि है जो आज और कल यानी 30 और 31 को रहेगी, सबसे ज्यादा ये मेघालय और नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा और मिजोरम में होने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि तेज हवा के कारण वृक्षारोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही मौसम खराब के होने के चलते खुले स्थानों पर लोगों को यहां पर नहीं रहने की बात यहां पर मौसम विभाग की ओर से की गई है। वहीं देश के कई राज्यों में लगातार मौसम में यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी लगातार पारे में लगातार यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं दिल्ली में होली के दिन भी नहीं मिली है गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने बारिश की जताई है चेतावनी संभावना। दिल्ली में होली के दिन कई इलाकों में तेज गर्मी यहां पर पड़ी। वहीं राजधानी का पारा 39 डिग्री पार पहुंच गया। वहीं मंगलवार को यहां पर तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली बस स्टेशन सरपतगंज में पारा 37.3 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, वहीं सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से आज यहां पर राहत मिलने की संभावना है क्योंकि हवा की रफ्तार बढ़ सकती है। वहीं राजधानी में सोमवार सुबह आसमान साफ रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री अधिक 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आज अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं दिल्ली के अलावा यहां पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर भी जारी है। इसके अलावा यहां पर राजस्थान में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ और आसपास के इलाकों में लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और केरल, कर्नाटक के कई इलाकों में भी तापमान में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम समाचारों की, तो लाहौल घाटी में मौसम ने बदली है करवट। 24 घंटे से पड़ रही है बर्फ, घरों में दुबके हैं लोग। गर्मी की सुगाट के बीच यहां पर होली से पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछली रात से ही लाहौल घाटी में हो रहे हिमपात की वजह से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। वहीं रोहतांग टनल से हिमाचल रोडवेज की बसें भी यहां पर रोक दी गई है। वहीं कबायली क्षेत्र लाहौल घाटी में पिछली रात से मौसम में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटों से बर्फबारी यहां पर हो रही है। अब हिमपात का दौर भी जारी है। वहीं मौसम में इस बदलाव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं हिमपात से घाटी के किसान व बागवानों में यहां पर खुशी की लहर है। वहीं सर्दियों के दौरान नाम मात्र की बर्फबारी से घाटी के किसानों और बागवानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी। ऐसे में ये बर्फबारी उनके लिए राहत देने का काम कर रही है।
वही मौसम में बदलाव से घाटी के कुछ इलाकों में खेतीबाड़ी का काम शुरू हो चुका है, जबकि ऊपरी इलाकों में खेतीबाड़ी शुरू होने वाली है। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से वाहनों का सड़क पर चलना काफी जोखिम भरा हो गया है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमपात की वजह से चट्टान खिसकने के साथ साथ हिमस्खलन होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। वही जिला प्रशासन ने सभी मौसम में वाहन चालकों को सफर न करने की हिदायत दी है इस मौसम के अंदर। वही इधर घाटी के कई बस रूटों पर बसों को यहां पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौल स्पीति और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहीं बस अड्डा प्रबंधन की माने तो मौसम अनुकूल होते ही तमाम रूटों पर वाहनों की आवाजाही बेहाल कर दी जाएगी। बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की तो अगले 48 घंटों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश होने की संभावना। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर आसपास के इलाकों में पिछले हफ्ते बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम का मिजाज यहां पर बदला सा है। वही दिन में गर्मी और सुबह शाम पारा गिरने से रात को ठंडक महसूस हो रही है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है, जिससे सुल्तानपुर समेत आसपास के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वही आज सुबह यहां पर कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही है, जिसके कारण धूप होने के बावजूद भी यहां पर सुबह 10 बजे तक लोगों को यहां पर ठंड का एहसास होता रहा है। इसके बाद तेज धूप से लोगों को कड़ी गर्मी का एहसास हुआ है। हालांकि धीरे धीरे चलने वाली पछुआ हवाओं से असर यहां पर ठंड का असर कम हो रहा था। वही अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि उनके बाद पछुआ हवा का चलने के कारण सुल्तानपुर आसपास के इलाकों में जो जिले हैं वहां रात को ठंड और दिन की गर्मी का यहां पर ज़्यादा एहसास लोगों को होगा। वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के साथ मौसम अगले 48 घंटों तक ठंडा यहां पर बना रहेगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के मौसम पर्यवेक्षक डॉक्टर डीपी तिवारी ने बताया है कि सुल्तानपुर और अन्य जिलों में होली के बाद मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। आने वाले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजधानी रायपुर में होली के मौके पर गर्मी तो है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी लोगों को झुलसाने का डर है। यूं कहे तो शहर में चक्रवर्ती घेरा हटते ही गर्मी यहां पर तेज हो गई है। तेज धूप यहां पर शुरू हो गई है। कुछ दिन तक यहां पर अभी ऐसी स्थिति यहां पर बनी रहेगी, इसके बाद गर्मी बढ़ जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार गर्मी बढ़ने के साथ साथ अप्रैल में सूरज की किरणें तीखी हो जाएगी, इससे लोगों को दिक्कत होगी। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा का अनियमित गति 0.09 किलोमीटर की ऊंचाई तक तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के होते हुए दक्षिणी ओडिशा तक स्थित है। इसके कारण प्रदेश में मार्च का जो मौसम है यहां पर 31 मार्च तक मौसम शुष्क रहने और आकाश में मुख्य रूप से बादल साफ रहने की यहां पर बिल्कुल आकाश साफ रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। चरम दक्षिण में कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि संभावित है। वही अधिकतम तापमान फिर से बढ़ सकता है। वही राजधानी समेत प्रदेश भर में होली के मौके पर मौसम का मिजाज यहां पर बेहतर रहा है। न ही अत्यधिक गर्मी ही थी, न ही यहां पर अत्यधिक सर्दी थी। वही यहां पर मौसम अगले 48 घंटों तक बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से अधिकतम तापमान में प्रदेश में बिलासपुर और दुर्ग संभागों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शेष संभागों में विशेष रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर और दुर्ग संभागों में सामान्य से अधिक तापमान रहा है। वही तापमान प्रदेश में दुर्ग संभाग में बढ़ोतरी के साथ यहां पर कुछ इलाकों में विशेष परिवर्तन हुआ है। कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है। अब बात करें राजस्थान के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान में शुरू हुआ है भीषण गर्मी का दौर। दिन के साथ साथ रात में के तापमान में भी हुई है राजस्थान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं राज्य के अधिकांश इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं बीते हर दिन यहां पर तापमान में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं कल बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान रहा है, यहाँ का तापमान 42.8 डिग्री पहुँच गया। वही जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, फलौदी और सवाई माधोपुर और चित्तौड़ और चूरू में भी पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा है। इसी तरह रात का तापमान में भी यहां पर लगातार इजाफा हो रहा है। तकरीबन सभी इलाकों में रात का तापमान 20 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। वही मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा। आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर, जालोर, बाड़मेर जिलों में कहीं कहीं हीट वेव या फिर लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि अभी गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। तो गर्म हवा ने बढ़ाया है तापमान, पिछले साल का टूटा है रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद अब लोगों को तेज धूप ने परेशान करना शुरू कर दिया है। अप्रैल का महीना अभी शुरू नहीं हुआ है कि गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं।
होलिका दहन के दिन रविवार को शहर यहाँ पर खूब तपा, वही सोमवार के दिन भी कई इलाकों में तापमान जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया गया है। वह दिन का तापमान सीजन में सबसे ज्यादा 38.9 डिग्री के पार पहुंच गया है। ये सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। वही शनिवार के मुकाबले रविवार को 2.1 डिग्री तापमान में इजाफा हुआ है। वही मार्च में इतना ज्यादा तापमान पिछले साल के तापमान से ज्यादा रहा है। लगातार पड़ रही तेज धूप से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने वाली है, ज्यादा लोगों को सताने वाली। हालांकि लोगों के लिए मुश्किल ये है कि अभी तो गर्मी के करीब 2.5 महीने पूरे बाकी है। तापमान का ये हाल रहा तो आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। वही राजस्थान और गुजरात से आई गर्म हवा के कारण मध्य प्रदेश के भोपाल में दिन का तापमान में इजाफा हुआ। वही पिछले साल मार्च महीने के आखिरी 31 जनवरी के दिन तापमान 36.4 डिग्री दर्ज किया गया था। इस बार यह तापमान रिकॉर्ड टूट गया है। वही रविवार को तपिश इतनी ज्यादा थी कि शाम 6 बजे पारा 36 डिग्री पर बना रहा है। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान एमपी के अंदर और बढ़ेगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में सुधार की है भविष्यवाणी। कश्मीर घाटी में सोमवार को बारिश हुई है। वही मौसम विभाग ने शाम को यहाँ पर मौसम सुधार की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में सोमवार को जो बर्फबारी हुई थी, इससे यहाँ पर आज यानी मंगलवार को यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर मौसम साफ होने की संभावना है। वहीं श्रीनगर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा है। पहलगाम में 7 और गुलमर्ग में 1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा लेह शहर में तापमान 5.2 डिग्री रहा है। कारगिल में 0.4 और द्रास में 1.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं जम्मू शहर में 23.3, कटरा में 20.6 और बटोट में और बनिहाल में 13 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है।